खबर मुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं पन्ना जिला की। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाओ गए है और उन्हों खनिज साधन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हों ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पन्ना के लोगों की उम्मीदें जो है भी बढ़ गई है और उम्मीदें जाग उठी है कि पन्ना के पुराने दिन अब वापस लौटे और पन्ना फिर से समृद्ध हो पाए। लोगों को उम्मीद है कि पन्ना में बंद नदी हीरा की और पत्थरों की खदानें फिर से शुरू हो जाए हैं। पथरा खदानों से जुड़े कारोबारियों को कहबो है कि पन्ना से मलेशिया और अरब देशों में पथरा को निर्यात होता तो इसके संगे देश के कई बड़े शहरों में भी पन्ना के पथरा की मांग हती। इस तरीके से पन्ना में बहुमूल्य हीरा पाव जाता तो हीरा के अधिकांश खदानें भी अब वन सीमा विवाद के चलत भय बंद करी हती, लेकिन अब उनके मंत्री बनबे से जो सब काम चालू हो जाए है और लोगों को रोजगार भी मिले है। जो दो विभाग मिले हैं उनको खनिज और श्रम, ये दोनों पन्ना की वास्तविक स्थिति और पन्ना के लोगों से जुड़े हुए विभाग है, क्योंकि पन्ना के लोगों का विकास केवल दो चीजों पर ही आश्रित है, एक हीरा और दूसरा पत्थर, और ये दोनों ही विभाग खनिज विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी पन्ना के लोगों के हित के लिए इनसे संबंधित जो भी विवाद हैं उनको प्रमुखता के साथ निराकरण करा के पन्ना के लोगों के हित में योजनाएं शुरू करवाएंगे। सर्वप्रथम तो माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी को बधाई पन्ना के सभी लोगों की तरफ से। और चूंकि देखिए उनका पहले से भी पूर्वानुमान भी था और उन्होंने पहले बोला भी था कि डायमंड पार्क की स्थापना यहाँ पन्ना में वो कराएंगे, तो बड़ी उम्मीद है कि चूंकि खनिज उनके पास है तो आज जैसे मान के चलिए 500 से 700 जो हीरा कटिंग वाले वर्कर्स हैं जो सूरत मुंबई में डले रहते हैं, यदि पन्ना में डायमंड पार्क बन जाता है मंत्री जी के प्रयासों से, और मुझे उम्मीद है पूरी कि वो जरूर इस मामले में इनिशिएटिव लेंगे और जरूर पार्क बनवाएंगे जिससे हर मतलब जो पन्ना का आदमी बाहर जाके इस तरीके के काम करता है पन्ना में रहेंगे, पन्ना में लोगों को काम मिलेगा और यहाँ के लोगों की स्किल डेवलप होगी। दमोह जिला में प्राइवेट स्कूल संचालकों से परेशान।